अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजियन। सारे यूट्यूब चैनल में आपको एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूं। एक बार फिर से आज के इस वीडियो में एथीने नेटवर्क को लेकर बात करूंगा, कुछ अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी है, साथ साथ में कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ मैंने यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक लास्ट देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपका ज्यादा यहाँ पर कह लो कि ज्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, जो अपडेट है छोटी मोटी वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर इनका एक लॉन्च पैड लॉन्च हुआ था तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, कि यहाँ पर इन्होंने अचानक से इसको यहाँ पर कह लो कि बंद कर दिया। अभी दोबारा यहाँ पर इसको रीओपन इन्होंने कर दिया। अब ये लॉन्च पैड क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ साथ में कुछ यहाँ पर आपका पैसा जाया होने से भी बच सकता है। जैसा कि यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर ATH पूल चल रहा था। अब लॉन्च पैड का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पर कह लो कि मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं जिनके अपने अपने लॉन्च पैड होते हैं। अब लॉन्च पैड पर इस तरह होता है कि कोई जब न्यू प्रोजेक्ट आता है और सबसे पहले अपने क्वाइन बेचने के लिए लॉन्च पैड को ये ऑफर करवाता है कि हम आपका लॉन्च पैड यूज करके अपने क्वाइन बेचना चाहते हैं, और हम यहाँ पर अपने जो आपके यूजर है उनको यहाँ पर सस्ते क्वाइन देंगे, और बाद में जब इसकी एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होगी तो इसकी प्राइस बढ़ेगी, लोग यहाँ पर अर्न करेंगे। अब ऐसा होता है, बिल्कुल 100% रियल बात है, लोग यहाँ पर अर्न भी करते हैं लॉन्च पैड के जरिए, लेकिन यहाँ पर लॉन्च पैड में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आम बंदा लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अथीने लॉन्च पैड के बारे में। तो एक ATH पूल अभी चल रहा था, जिसमें यहाँ पर अभी आपको लिखकर नजर आ रहा है कि सोल्ड आउट, यानी कि अभी यहाँ पर आप जो इनका मेम क्वाइन लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मई में हम इसकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग करेंगे, यहाँ पर आप ATH टोकन देकर इस मेम क्वाइन को बाय कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपने ATH अगर आपके पास है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं लाइन टोकन में, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बोला था कि ये जो USDT पूल है इससे आपने बचकर रहना है। क्यों बचकर रहना, वो आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये मेम क्वाइन जो है इसका यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको कह लो कि जैसे इसकी अगर एक्सचेंजिंग पर लिस्टिंग हो जाती है तो 1 या 2 दिन या फिर चंद घंटे ही इसकी प्राइस में आपको एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा, इसकी प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन चंद घंटों के बाद जैसे इसकी हाइप खत्म होगी इसको कोई पूछेगा भी नहीं, ये यहाँ पर कह लो कि जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप USDT यहाँ पर पे करके इस क्वाइन को बाय करोगे तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंस सकती है, इसलिए आपने यहाँ पर इससे अवॉइड करना है, ठीक है। ये भी कमिंग सून है, जब भी आपको नजर आ जाएगा कुछ ही दिनों में कि आप यहाँ पर USDT के थ्रू यहाँ पर लाइन क्वाइन को बाय कर सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है कि एक टोकन जब आपको फ्री में मिल रहा है तो उसको आप यहाँ पर पे करके बाय करो, जबकि हमको उसका फ्यूचर भी ब्राइट नजर नहीं आता। यहाँ पर ATH पूल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको चांसेस है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर और भी अभी अपडेट आना बाकी है, ठीक है। ये यहाँ पर भाई अपडेट है। अभी एथीने नेटवर्क को लेकर मैं यहाँ पर कह लो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियोस के लिंक, जो स्टेप बाय स्टेप है, फ्लैपी लाइन गेम, फिर KYC कैसे करनी है, पैकेज कैसे बाय करना है, सारे के सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। P2P मनी मार्केट पे टोकन कैसे सेल करने हैं, P2P मनी मार्केट से विड्रा आपने कैसे करना है, लाइव विड्रा, मैं सब कुछ आपको करके ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब यहां पर एक जो और अपडेट आई है वो यहां पर आई है भाई, यहां पर कह लो कि एथीन क्वाइन की हालविंग को लेकर। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अब ये हालविंग क्या है इसको भी आपने समझ लेना है। यहाँ पर हालविंग में ये सिस्टम होता है कि जैसा कि बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ पर CPU GPU फिर ASIC का यूज करके यहाँ पर कह लो कि काफी कह लो कि महंगी मशीनों के थ्रू यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, अच्छी खासी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। उसके बदले में यहाँ पर ये होता है कि एक सिस्टम लगा रखा है बिटकॉइन ने, ठीक है, कि यहाँ पर उसकी हालविंग होती है, जो यहाँ पर माइनर्स को टोटल क्वाइन मिलते हैं अगर 1 लाख मिल रहा है, ठीक है, वो हालविंग के बाद उसकी अमाउंट कम हो जाती है, यानी कि फिर वो यहाँ पर हाफ क्वाइन लोगों को यहाँ पर फ्री में मिलते हैं जो माइनिंग करने वाले होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने भी अभी बोला कि हम यहाँ पर अपना हालविंग सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर 6 महीने के बाद यहाँ पर हालविंग करेंगे, जिससे यहाँ पर ATH टोकन की प्राइस कम हो, जिससे यहाँ पर ये होगा कि ATH टोकन की प्राइस भी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सप्लाई यहाँ पर इसकी डे बाय डे फिर कम होती रहेगी। यहाँ पर फ्री में टोकन अर्न कर, अब ये जो इन्होंने हालविंग करनी है ये हमारे लिए ही करनी है जो यहाँ पर फ्री में टोकन अर्न कर रहे हैं, डे बाय डे इसकी सप्लाई कम होगी तो जैसे ही यहाँ पर इसकी एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होगी तो प्राइस बढ़ने के चांसेस रहेंगे, जिसके लिए ये बोल रहे हैं कि हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं। अभी देखो, हर पोस्ट में तकरीबन हर रोज इनकी
या तीन पोस्ट होती है जिसमें हर पोस्ट में आपको पैकेजेस बाय करने का ही बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एथीन का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है जितना आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पर आपको हर वीडियो में ये बता रहा हूँ। ठीक है, $3 से अगर आप यहाँ पर ब्रॉन्ज पैकेज बाय कर लेते हो तो कुछ ना कुछ आप यहाँ पर अपना रिकवर कर लोगे। अगर महंगे पैकेजेस बाय करोगे, आपके पास टीम नहीं है, तो आपका पैसा यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मिनिमम $3 वाला ब्रॉन्ज पैकेज बाय कर सकते हो। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक मंथ में 188 टोकन भी आ जाते हैं तो तकरीबन आपके यहाँ पर $3 रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर फ्री में टोकन अर्न करते रहोगे। तो भाई ये यहाँ पर हार्विंग को लेकर अपडेट थी और लॉन्च पैड को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट थी जो मैंने आज की टोकन की बाइंग भी नहीं करनी। अगर आपके पास है जस्ट सेल कर दो। कैसे सेल करने हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो फाइंड करके उसको वॉच कर लो। अब जो भी मजीद अपडेट रहेंगे वो टाइम टू टाइम मैं पहले भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, फ्यूचर में भी यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपको बेस्ट लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।